लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। लोकसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। गोरखपुर के खूनीपुर में सोसाइटी से पैसे की अदायगी न होने का मामला पकड़ा तूल, सोसाइटी के डायरेक्टर चढ़े पुलिस के हत्थे। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने शांति और सद्भावना समिति के साथ की बैठक। लूट की चैन के साथ एक चैन स्नेचर चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ, वक्ताओं ने भारत में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे पर किया मंथन। छह आवंटी पाए रातिनगर विस्तार योजना के तहत जीडीए द्वारा कब्जा। नागार्जुन बौद्ध संस्थान और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई पांडुलिपि संरक्षण तत्वबोध व्याख्यान। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में मतदाता के पास है मतदान के लिए कई वैकल्पिक पहचान पत्र के तरीके। 27 फरवरी को आयोजित होगा वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उत्पादन एवं प्रयोग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय किसान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। लोकसभा के उपचुनाव में बनेंगे 25 मॉडल बूथ, मतदान के लिए जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से किया आवाहन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में इश्यू इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया विषय के साथ अंतर विषयक शोध पर भी दिया गया जोर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में रासायनिक विज्ञान में उभरते रुझान विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। गोरखपुर पहुंचे पूर्व टेस्ट खिलाड़ी अजय शर्मा से गोरखपुर न्यूज की विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर के खिलाड़ियों में नहीं है टैलेंट की कमी। और जिला क्रिकेट लीग में अक्की एकेडमी ने 9 विकेटों से शानदार जीत हासिल की।